स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउज़ैट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश। नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूँ विक्रांत गुप्ता। लो जी, आईपीएल पहुंच गया है वहां पर जहां पर अब आहिस्ता एक ही जगह रह गई है। लेकिन आज जो मुकाबला है वो दो टीमें ऐसी हैं जो पहुंच चुकी हैं, जो खिताब की दावेदार हैं, और ये अलग ही तरह की लड़ाई है। एक तो गुरु चेले की लड़ाई है, क्योंकि एक तरफ है महेंद्र सिंह धोनी और उनके उत्तराधिकारी विकेट कीपिंग के लिहाज से ऋषभ पंत। साथ ही साथ ये लड़ाई जो है वो 1 और 2 की लड़ाई भी होगी, क्योंकि टीमों को बड़ा फायदा होता है कि जब वो आखिरी 4 में जाएं और टॉप 2 में रहें। टॉप 2 में रहने का मतलब है कि आपको एक अतिरिक्त मैच मिलता है प्लेऑफ में जाके, और ऐसे में चेन्नई जो पिछला मैच हारा था वो चाहेंगे कि वो 1-2 की लड़ाई में रहें। ऋषभ पंत की टीम दिल्ली थोड़ी सी कमजोर बल्लेबाजी, लेकिन वो भी चाहेंगे 1 और 2 में रहें, क्योंकि नीचे से बैंगलोर यानी कि विराट कोहली की बैंगलोर थ्रेटन कर रही है। तो कप्तानों की जंग है आमने सामने है। और देखिए बड़ी मजेदार बात क्या है, मजेदार बात यह है कि ऋषभ पंत के बल्ले से बड़े रन निकले हैं, लेकिन उतने ही मैच दोनों टीमों ने जीते हैं, उतने ही मैच दोनों टीमों ने हारे हैं। बल्लेबाज के तौर पर धोनी के लिए ये बेस्ट आईपीएल नहीं है, लेकिन फिर बात धोनी को आप बल्लेबाज नहीं शायद कप्तान के तौर पर जानते हैं ज्यादा आज की तारीख में। ऋषभ पंत युवा कप्तान भी हैं और बल्ले के साथ सबसे बड़ा थ्रेट भी रहेंगे। लेकिन अब है जो एक अनार रह गया है जिसके लिए अभी भी 4 बीमार हैं। हालांकि पंजाब तो बीमार ही दिख रहा है, लेकिन टेक्निकली अभी भी वो दौड़ में है, अभी भी वो प्लेऑफ में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सबसे मजबूत दावेदार देखें आखिरी 4 में, मतलब चौथी स्लॉट के लिए, वो शायद कोलकाता होगा, क्योंकि कोलकाता 6 मैच जीत चुका है और उनका नेट रन रेट बहुत अच्छा है। क्योंकि यहां पर जब आपके पॉइंट्स बराबर हो भी जाएं तो नेट रन रेट बड़ा काम आता है। नेट रन रेट काम आने का मतलब है कि आप अगर प्लस में चल रहे हैं जैसे कोलकाता चल रहा है, तो बाकी टीमों के लिए एक मैच में उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल होगा। इस लिहाज से मुझे लगता है कि पंजाब के लिए भी दरवाजा आप बंद ही मानिए, लेकिन कोलकाता का मुकाबला राजस्थान से है। राजस्थान और कोलकाता दोनों टीमें फिलहाल जोश दिखा चुकी हैं। राजस्थान ने जिस तरह उस दिन चेज किया था, मुंबई इंडियंस भी है अभी दौड़ में, मुंबई इंडियंस भी है, और मुंबई के लिए थोड़ा सा राहत की बात यह है कि उनके सामने अभी राजस्थान और हैदराबाद है। लेकिन मुंबई को भी पता नहीं चल रहा कि इस सीजन में हो क्या रहा है। ये है पॉइंट टैली। चेन्नई और दिल्ली 1 और 2 हैं। बैंगलोर ने वापसी अच्छी की है, बैंगलोर यहां पर आकर शुरू में हारा था, अब जीतना शुरू हो गए हैं, उनके भी 16 पॉइंट। तो 3 टीमें जा चुकी हैं। कोलकाता का एक मैच है, उनको एक जीत और कुछ दुआएं चाहिए। पंजाब शायद नहीं पकड़ पाएगा किसी को। राजस्थान के पास 2 मुकाबले हैं, तो राजस्थान भी 14 तक जा सकता है, मुंबई भी 14 तक जा सकता है, और हैदराबाद के लिए कहानी पहले ही खत्म हो चुकी है। दुबई में आमना सामना अगर देखें तो दिल्ली ने मुकाबला जीता था, चेन्नई हार गया था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप चेन्नई को अंडर एस्टिमेट करेंगे। चेन्नई मजबूत टीम है। चेन्नई के लिए दिक्कत है कि उनका टॉप ऑर्डर रन बना रहा है, खासतौर से युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ बना रहे हैं, फाफ बना रहे हैं, मोइन अली बना रहे हैं, लेकिन बीच में सुरेश रैना, MS धोनी और इवन अंबाती रायडू, इनके रन नहीं आए हैं, तो मध्यक्रम इनका कमजोर है। लेकिन टॉप ऑर्डर इतना ज्यादा अच्छा हो गया है कि ऋतुराज गायकवाड़ को देखिए, जिन पर MS धोनी ने लास्ट ईयर कहा था कि मेरे टीम के युवा खिलाड़ियों में स्पार्क नहीं है, आज वो न सिर्फ अपनी टीम के लिए बल्कि हिंदुस्तान के सेलेक्टर्स के लिए भी सरदर्द बन गए हैं कि इस युवा खिलाड़ी को कैसे फास्ट ट्रैक किया जा सकता है। ऋतुराज ने न सिर्फ रन बनाए हैं, बल्कि उनके रन बनाने का अंदाज और बड़ी पारियां खेली हैं। पिछले मुकाबले में उन्होंने 100 भी बनाया था, हालांकि उनकी टीम जरूर बाद में मैच हार गई थी, लेकिन जब आप इस तरह की बड़ी स्कोर बनाते हैं तो आप सामने वाली टीम के लिए सबसे बड़ा थ्रेट जरूर रहेंगे। मदन जी आज मेरे साथ। मदन जी, ऋतुराज गायकवाड़ की वो पारी, बावजूद उसके 190 रन चेन्नई ने करवा दिए थे, तो चेन्नई की कमजोरी उस दिन आपको दिखी कुछ, या फिर लॉ ऑफ एवरेजेस होता है कि ठीक है यार आप ये मैच हार गए कोई बात नहीं, सही वक्त पर आकर आपको अपना गियर बदलना होगा?
नहीं देखिए, ये तो बात रहती है विक्रांत की, सही समय में अगर अपना अपना गियर चेंज अगर नहीं करोगे तो आपको आपको आप मैच भी हार सकते हैं। पर दूसरी बात है कि ऋतुराज की अगर बैटिंग की बात करें, क्लास बैटिंग उन्होंने की है। मैं समझता हूं उनके पास जो शॉट्स खेले हैं टेक्निकली बड़ा बड़ा साउंड लग रहा है, और सारी आईपीएल में जो है उन्होंने अच्छी बैटिंग की है। और जो मैं समझता हूं कि यहां पे जो एक्सपीरियंस है एमएस धोनी को कैप्टनसी का वो बहुत है। देखिए उन्होंने उन्होंने मोइन अली को नंबर तीन पे बैटिंग करा रहे हैं, और नंबर तीन पे पहले ज़्यादातर सुरेश रैना ने अमिती रायडू बैटिंग करते थे, और उनके करने से क्या हुआ है कि देखिए रन भी बन रहे हैं और उनको अच्छा अच्छा स्टार्ट भी मिल रहा है। पर ये जो थोड़ी सी बहुत ही कमजोरी दिखाई दे रही है बॉलिंग में, थोड़ा सा दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए बॉलर्स का गेंद अच्छा करना बड़ा बड़ा जरूरी रहता है। बाकी ये है कि इस वक्त अगर आप देखें चेन्नई के पास ऐसी टीम है जो कि टॉप पे आ सकती है, और डीसी की अगर बात करें दिल्ली कैपिटल की, तो मेरे को क्या थोड़ा सा लगता है कि उनका जो उन्होंने कभी आईपीएल जीता नहीं है, तो कहीं कई बार उनकी बैटिंग में थोड़ी सी नर्वसनेस दिखाई दी है, या तो क्वालिफाई करने के लिए या नंबर वन और टू करने के लिए क्वालिफाई करने के लिए उनकी बैटिंग में इतना ज़्यादा वो तीखापन जो होता दिखाई देना चाहिए वो नहीं दिखाई दिया। पर आपने जैसे कहा कि हो सकता है कि वो अपना गियर चेंज करें और बैटिंग में भी वो अच्छी बैटिंग करें, बिकॉज शुरू में स्टार जो शिखर धवन देते रहे हैं या पृथ्वी शाह, ये बहुत जरूरी है इन बल्लेबाजों के लिए, ताकि वो एक अच्छा साथ जी। आपने शिखर की बात की, क्योंकि पहले से शिखर बड़े बात की, शिखर और पृथ्वी शॉ, शिखर पृथ्वी शॉ आई थिंक सबसे डिस्ट्रक्टिव यही एक सलामी जोड़ी है इस आईपीएल में अगर आप देखें, क्योंकि 6 में 60, 6 में 70 भी लगा देते हैं, लेकिन शायद यूएई की पिचेस इन दोनों को रास नहीं आ रही है। पृथ्वी शॉ को ऑन द राइज खेलने का शौक है, शिखर धवन अचानक से जब वर्ल्ड कप की टीम का ऐलान हो गया उनका नाम नहीं आया, तब से अचानक या इन पिचेस के कारण या फिर लैक ऑफ मोटिवेशन कहें जो भी कहें, शिखर धवन का बल्ला भी रूठ सा गया। नहीं देखिए, थोड़ा सा मेरे को लगता है कि शिखर धवन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये वो 2020 वर्ल्ड कप में सेलेक्ट होंगे, थोड़ा सा मोटिवेशन थोड़ा सा कम जरूर होता है। पर देखिए आपके सामने एक चैलेंज रहता है, क्योंकि चैलेंज ये है कि वो अपनी टीम को कैसे जिता सकते हैं। और दूसरा जो बात आप कर रहे हैं ऑन द राइज खेलना, जैसे पृथ्वी शाह या शिखर धवन जैसे खेलते हैं, विकेट इस बार काफ़ी ख़राब है और काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। पर जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में जो बात की थी कि इन विकेट्स का अच्छा होना बड़ा जरूरी है वर्ल्ड कप के लिए, और लास्ट मैच जो जहाँ पे डीसी खेला था वो तो बहुत ही खराब विकेट था, वहाँ तो गेंद आ ही नहीं रहा था, वो गेंद टर्न भी करा था, और आपने देखा होगा 140 स्कोर भी बड़ा मुश्किल से बन पा रहा था। तो ये है थोड़ा सा ऑन द राइज अगर आएगा पृथ्वी शाह और शिखर धवन अच्छी बैटिंग करेंगे, गेंद बाउंस होता है तो कट फुल जो जितने भी शॉट्स हैं उनके प्ले में आ जाते हैं, और ये है एक कारण है विकेट्स का भी, वन ऑफ द कारण है। लेकिन मध्यक्रम तो फिर चेन्नई का भी कमजोर दिखता है ना मदन जी, अगर आप देखें ऋतुराज गायकवाड़, फैफ डुप्लेसी और मोइन अली, उसके बाद सुरेश रैना के बल्ले से वो रन नहीं निकले। इनफैक्ट थोड़ा हैरानी होती है सुरेश रैना को इस तरह से बैटिंग करते देख के, क्योंकि इनको मिस्टर आईपीएल भी कहा जाता था। अंबाती रायडू के बल्ले से उस तरह के रन नहीं निकले, एमएस धोनी के बल्ले से उस तरह के रन नहीं निकले, फिर नीचे आके जरूर उनके पास ऑलराउंडर्स हैं, लेकिन वो जो बीच की ओवरों की कमजोरी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े दिन आपको लेने के देने पड़ जाएं? देखिए हो सकता है, क्योंकि देखिए विक्रांत ये तीनों जैसे आप सुरेश रैना क्रिकेट नहीं खेल रहे, देखिए रेगुलर क्रिकेट खेलना बहुत अलग बात होती है, अमिती रायडू वो इतनी क्रिकेट, एमएस धोनी रेगुलर क्रिकेट नहीं खेल रहे, तब देखिए उनको एक्सपीरियंस है सारा सब कुछ है। बट ये बात क्या होती है कि आपका रेगुलर क्रिकेट से अगर आप पूरा खेलते रहते हैं तो आप टच में एक आपका जो आत्मविश्वास है बिल्कुल डिफरेंट सा रहता है। पर ये है कि इतने एक्सपीरियंस है एन मौके पे आके ये ऐसा नहीं है कि ये चल सकते हैं, पर ये देखना होगा चेन्नई को कि उनका मिडल ऑर्डर भी स्ट्रांग हो, क्योंकि यहाँ पर ही जो मैचेज हैं जीते हारे जाते हैं, क्योंकि ये लास्ट वाले ओवर जो है बड़े क्रूशियल ओवर रहते हैं। चलिए आज दिलचस्प मुकाबला है, हालांकि मदन जी की बात सही है, और ये आप लोग भी इस बात से इत्तेफाक जरूर रखेंगे कि मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन शायद आप वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर तड़का चाहिए, शायद आप वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर क्लाइमैक्स की तरफ आप जा रहे हैं, लेकिन पिचेस जो है ना जहाँ पर रन नहीं बन रहे वो थोड़ा सा न सिर्फ इस कॉन्टेस्ट को नीरस करते हैं बल्कि फिक्र भी बढ़ाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप आपको इन्हीं कंडीशन में खेलना है, आपके बल्लेबाजों ने रन बनाए कि नहीं बनाए, उनका कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, इस पर बड़ा कुछ निर्भर करता है। लेकिन आज मेरे लिहाज से गुरु चेले की लड़ाई है जी, एक तरफ एमएस धोनी कप्तान,
दूसरी तरफ ऋषभ पंत बल्लेबाज भी और कप्तानी भी उन्होंने जो जिस तरह से अपने आप को कैरी किया है वो मैच्योरिटी आपको 12 महीने में दिख रही है। अब देखना यही है कि कमजोरी ज्यादा एक दूसरे की एक्सप्लॉइट कौन सी टीम करती है। गेंदबाज उनके पास दिल्ली के पास है जो शायद इस टूर्नामेंट का बेस्ट बॉलिंग अटैक होगा, लेकिन MS धोनी के पास इस्तेमाल करने वाले बॉलर्स बहुत अच्छे। 7:30 बजे मुकाबला होता है और आप ये भी जानते हैं कि स्पोर्ट्स तक का ऐप भी आ गया है। ऐप यानी कि सीधे तरह से आप अगर एप्पल का फोन इस्तेमाल करते हैं तो आप जाएंगे ऐप स्टोर में, अगर आप एंड्रॉयड का फोन इस्तेमाल करते हैं तो आप जाएंगे प्ले स्टोर में। उससे आप इस ऐप को डाउनलोड करना है, बस डाउनलोड। जैसे ही आपने किया आपकी मुट्ठी में पूरी खेल की दुनिया, क्रिकेट के अलावा बाकी खबरें, मैच लाइव आप देख सकते हैं, आप स्कोर बॉल बाय बॉल फॉलो कर सकते हैं, ना सिर्फ IPL बल्कि तमाम खेल की जो दुनिया है, फुटबॉल के मैच हैं। और ये वाहिद ऐप है स्पोर्ट्स तक का जहां पर आपको फुटबॉल और क्रिकेट के मैचेस की हाइलाइट्स भी मिलती हैं, हाइलाइट्स भी मिलती हैं आपको, वीडियोस भी मिलते हैं, स्पोर्ट्स तक के चैट्स भी मिलते हैं। तो आप फटाफट इस ऐप को यानी कि स्पोर्ट्स तक की ऐप को डाउनलोड कीजिए, मजा बहुत आने वाला। साथ ही साथ फिलहाल ऑरेंज कैप में KL राहुल अपने रन लेकिन शायद टीम को नहीं जिता पा रहे, ऋतुराज गायकवाड़ अपने रन भी और टीम के रन भी शायद फर्क है। संजू सैमसन इन्होंने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है लेकिन सेलेक्टर्स ने इनको नजरअंदाज किया। और गेंदबाजी में तो खैर हर्षल पटेल इतना आगे जा चुके हैं कि आप अभी से उनको पर्पल कैप दे दें ये अलग बात है कि सेलेक्टर्स उनको कभी मौका देते ही नहीं। तो जी आज हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर हम कब लाइव हैं, 6:40 पर हम और आप इस बड़े मुकाबले क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स तक के स्टूडियो में भी होता है ना, कुछ दिल्ली के फैंस होंगे, कुछ चेन्नई के फैंस होंगे, लड़ाई होगी, गर्मा गर्म बहस भी होगी। और आप भी तो बटे हुए हैं, आधे लोग ऋषभ पंत के साथ, आधे लोग MS धोनी के साथ। आज ऋषभ पंत का जन्मदिन भी है, उनको जन्मदिन की मुबारकबाद भी। और आपने अभी तक अगर स्पोर्ट्स तक को नहीं किया सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए सब्सक्राइब YouTube पर जाकर स्पोर्ट्स तक को, और 6:40 पर जुड़िए हमारे साथ। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें Facebook, Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउज़ैट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश।